गार्डन रिच इलाके का ये नया फ्लाईओवर, जिसे कहते हैं कि गार्डन रिच इलाके, बहु वर्षों से कह सकते हैं कि ये इलाके एक अविश्रप्त जाम में फंसी हुई रहती थी, जहाँ कि लोग इतने जाम से परेशान थे, जैसे कि एक मीराबाई का दोहा है, जाके फटे ना पीर बबाई सो क्या जाने पीर पराई, यानी कि आपका जब तक पैर नहीं फटता तब तक आप दूसरे का दुख नहीं जान सकते हैं। यही वो इलाका है गार्डन रिच का इलाका, जो जाम में इतना फंसा रहता था, जहाँ एम्बुलेंस से ले जाते हुए कई लोगों की, रोगियों की मौत हो जाती थी, तो कई महिलाओं का प्रसव इस रास्ते में ही हो जाता था। इस तरह के अविश्रप्त जाम से आज शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम के प्रयास से ये गार्डन रिच का ये नया फ्लाईओवर जिसे देख रहे हैं ये निर्माण करवाया गया है, जो कि यहाँ ब्रुक लेन से शुरू होकर मोमिनपुर और दूसरी तरफ माजेरहाट ब्रिज की ओर उतरने वाली है। इस यहाँ पे ये माना जा रहा है कि इस फ्लाईओवर के बाद इस इलाके के लोग जाम की समस्या से जो जूझ रहे थे उन्हें मुक्ति मिलेगी, और दूसरी तरफ ये भी सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर CCTV लगाई गई है। उसी तरह से आप देखें तो ब्रिज पे LED लाइट का भी बंदोबस्त किया गया है, ताकि रात में आते जाते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना घटे, और किसी तरह की भी आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए यहाँ CCTV की व्यवस्था भी की गई है। अब मानना है कि यहाँ के लोगों में ये खुशी है कि ये शायद इस फ्लाईओवर के बाद यहाँ के जाम की समस्या दूर हो। आपकी कोशिश? मैं आज बहुत खुश हूँ, जो जब पहली बार हम यहाँ पर खड़े हुए मैंने निर्वाचन के लिए आए थे, उस समय ममता दी ने हमें बोला था ये फ्लाईओवर यहाँ का बहुत दिन का मांग है, तुम हो सके तो देखना। और फिर बहुत लड़ाई के बाद हमने पहले स्टार्ट किया तो गंगा के बगल से फ्लाईओवर ले जाएंगे, मगर वो हुआ नहीं, 2-3 साल उसके पीछे हम लगे रहे। फिर ये फ्लाईओवर जो था यहाँ पर रेलवे अलाइनमेंट था रामनगर तक, तो वहाँ पर हमें परमिशन पोर्ट नहीं दिया। फिर करीब 2 साल पोर्ट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलने लड़ाई के बाद हमें ये परमिशन मिला, जिसमें हमारा आधा रेट पोर्ट लिया, करीब 70 लाख के जगह आधा 70 करोड़ मांगा था, 39 करोड़ लेके ये परमिशन हमें दिया। फिर रेलवे का वो अलाइनमेंट था, इसलिए हमें वो मेट्रो ये सर्कुलर रेल उसको हमको बढ़ाना पड़ा। और फिर यहाँ पर पोर्ट तो पैसा ले लिया, मगर हमें फ्री काम करने का अवसर नहीं था, बहुत सारे एनक्रोचमेंट था, बहुत सारे फैक्ट्रीज था, बहुत सारे कारखाने थे, कंटेनर टर्मिनल, बहुत दिक्कतें थी। मगर सबसे बात कर करके, सबसे बैठ के बात करके, काउंसिलर को लेके बात करके हटाना, उन लोग को फिर रिहेबिलिटेट करना, बहुत सारे आदमी को रिहेबिलिटेट करना पड़ा, करके अल्टीमेटली जो वो दिन आ गया जब ये गार्डन रिच के फ्लाईओवर के लिए गार्डन रिच और मेटिया पुरुष का आदमी को मुक्ति मिलेगा, जान जट से मुक्ति।